नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मोतियों की माला, जिसे बोला जाता है दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से इसे जानते हैं। आप एशिया का मैप देख सकते हैं, ये चाइना है दोस्तों, ये मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये इंडिया हो गया, देख लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि मोतियों की माला है क्या। दोस्तों, ये मोतियों की माला जो है चाइना की एक पॉलिसी है, नीति है, जिससे कि वह अपनी व्यापारिक और सैन्य शक्तियों का विस्तार कर रहा है। तो दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल किसकी है? चीन की एक व्यापारिक और सैन्य नीति है, व्यापारिक एवं सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक और सैन्य शक्तियों का विस्तार करने के लिए, विस्तार करने के लिए बनाई गई एक नीति है। तो चीन की व्यापारिक और सैन्य शक्तियों का विस्तार करने के लिए यह नीति बनाई गई चाइना के द्वारा। इसे हम मोतियों की माला या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम क्या किस प्रकार चाइना ने अपनी व्यापारिक और सैन्य शक्तियों के विस्तार के लिए क्या क्या किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया मलेशिया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस समय चाइना ने ये महसूस किया कि ये हो गए दोस्तों मलक्का जल संधि, इस संधि को बोलते हैं मलक्का जल संधि, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य मलक्का जल संधि है दोस्तों। यहां से चाइना अपना आयात निर्यात करता है, इसी संधि के माध्यम से चाइना अपना आयात निर्यात करता है। तो दोस्तों, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो चाइना ने यह महसूस किया कि यदि भारत इस मलक्का जल संधि को बंद कर देता है, तो उसका 80% चाइना का आयात निर्यात बंद हो जाएगा, जिससे उसको बहुत आर्थिक क्षति होगी। तो इस वजह से चाइना ने ये मोतियों की माला नीति अपनाई। इस नीति में उन्होंने क्या किया, यहां पर ये कोको द्वीप बना दिए दोस्तों। ये क्या है? कोको द्वीप, कोको द्वीप म्यांमार में है, वहां पर क्या बनाया उन्होंने, कोको बंदरगाह का निर्माण कर दिया। और दोस्तों, ऐसे बोलते हैं हम चिटगांव, चिटगांव, तो ये चिटगांव बंदरगाह कहां बना दिया दोस्तों, बांग्लादेश में बना दिया, चिटगांव बंदरगाह बना दिया बांग्लादेश में, कोको बना दिया म्यांमार में, चिटगांव बना दिया बांग्लादेश में, हम्बनटोटा बना दिया, हम्बनटोटा, हम्बनटोटा जो हवाई अड्डा बनाया गया, ये बना दिया श्रीलंका में, हम्बनटोटा श्रीलंका में, ये हो गया दोस्तों सेशेल्स, ये सेशेल्स एक देश है, ये है दोस्तों मॉरिशस, ये वाला, ये हो गया मॉरिशस, देख लीजिए दोस्तों आप। तो दोस्तों, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चाइना ने इस वजह से धीरे धीरे अपने हवाई अड्डों का विस्तार किया। ये और रह गया दोस्तों, ये हो गया
फीदू फनोलू, फीदू फनोलू ये हो गया फीदू फनोलू, ये है दोस्तों फीदू फनोलू मालदीव में है दोस्तों, ये मालदीव, ये हो गया फीदू फनोलू, ये हो गया दोस्तों ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर कहां पे है दोस्तों? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना दिया। और ये हो गया दोस्तों चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह ये बना दिए दोस्तों, चाबहार बंदरगाह। और ये रह गया दोस्तों, इसको बोलते हैं जिबूती, ये है जिबूती, ये है अफ्रीका में। ये स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज नहर। तो इस प्रकार चाइना ने अपने धीरे धीरे हवाई अड्डों का विस्तार किया, और इस प्रकार उन्होंने चाइना ने हवाई अड्डे अपने विकसित किए। तो चाइना ने सोचा कि अपनी व्यापारिक और सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे हवाई अड्डों का विकास किया जाए, जिससे कि अपनी सैन्य ताकत यहां पे बढ़ जाए और हम बाद में आसानी से व्यापार कर सके और भारत हमको डिस्टर्ब नहीं कर सके। लेकिन भारत की नीति क्या थी? भारत अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखता, जिसके तहत भारत ने भी इसके आसपास अपने अपने एयरपोर्ट बनाने, हवाई अड्डे बनाने चालू कर दिए। भारत ने भी इनके जवाब में यहां पर भी बना लिया, मतलब प्रत्येक जगह पर भारत ने भी इनके जवाब में बंदरगाह बना लिए। तो ये चाइना की नीति जो है दोस्तों विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है भविष्य में। तो दोस्तों ये चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है, चाबहार कहां पे? ईरान में। तो ये हो गई दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति, ये चाइना की एक नीति है जिससे वह व्यापारिक और सैन्य शक्तियों का विस्तार कर रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम रेगुलरली ज्योग्राफी की वीडियोस डालते रहें। और राजस्थान पुलिस के लिए जनरल साइंस भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।